हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। टेक्निकल सुहेल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये एक फूड प्रोसेसर है जो है बजाज कंपनी का, और इसका ये कपलर बहुत बुरी तरीके से घिस चुका है। आप लोग देख सकते हो, आपको दिखाता हूं जूम करके मैं। ये देखो कितनी बुरी तरीके से कपलर ख़राब हो गया है। अब आपको ये कपलर खोल के दिखाएंगे कैसे बदलेंगे, कितने रुपये लेंगे, कितने रुपये का कपलर मिलता है दोस्तों हमें। मिक्सर रिपेयरिंग की पूरी वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगी। अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल सुहेल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। देखिए, सबसे पहले अगर आप मिक्सर का कपलर बदलते हो तो दो टाइप के मिक्सर कपलर आते हैं। ये एक कपलर है पुश वाला, इसमें भी पुश वाला लगा हुआ है। एक आता है दोस्तों कपलर आता है थ्रेड वाला। थ्रेड वाला खोलने में थोड़ी परेशानी होती है, और ये पुश वाला तो बहुत सिंपल होता है। लेकिन एक सवाल फंसता है कि आप कैसे पहचानोगे कि पुश वाला कपलर है कि थ्रेड वाला है, कैसे खोलेंगे। तो मैं आपको एक पहचान बताता हूँ। सब में तो ये तरीका जुगाड़ काम नहीं करता, लेकिन 90% जो पुश वाले कपलर होते हैं उसमें यहाँ पर दो बारीक आमने सामने सुराख होते हैं। जैसे कि एक सुराख यहाँ पर है, एक सुराख यहाँ पर है। अगर आमने सामने सुराख है तो 100% आप समझ लेना भैया वो पुश वाला ही कपलर है। ये बात गारंटी लेता हूँ मैं। तो 90% ऐसा ही होता है। और जब मैंने ये मिक्सर देखा तो इसमें भी देखो आप, यहाँ पर एक सुराख है, आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर सुराख है, इसमें भी दो सुराख हैं। इसका ये मतलब है ये पुश वाला ही कपलर है। तो पुश वाला कपलर खोलने का तरीका सबसे अच्छा है कि आप साइड से पेचकस डालो और कपलर को उठाओ, लेकिन आपको इतनी ताकत लगानी, बहुत बार क्या होता है ज़्यादा हम ताकत लगाते हैं तो यहाँ से हमारी मिक्सर की बॉडी क्रैक हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इस तरीके थोड़ा थोड़ा उठाना, देखो हल्का हल्का सा घुमाते रहना है और ताकत लगाते रहना इस तरीके से। देखो जैसे मैं घुमा रहा हूँ, ताकत लगा रहा हूँ, ये देखो कितना सिंपल था, पुश वाला कपलर है और बहुत ही ईजिली तरीके से निकल गया है। अब बात करते हैं कि कितने का कपलर मिलता है, हम कस्टमर से इसे लगाने के कितने रुपए लेंगे। सबसे पहले तो कपलर लगा के दिखाता हूँ मैं। ये कपलर है होलसेल में, अगर आप ये कपलर दोस्तों लेते हो कहीं से भी खरीदोगे ये वाला कपलर, तो आपको अगर पूरा पैकेट 100 पीस का लोगे दोस्तों तो 100 पीस पे ये कपलर आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 रुपये में। 4 से 5 रुपये में 100 पीस पे ये कपलर मिल जाएगा। लूज़ में लोगे तो भैया 10 रुपये का, तो इजीली 7 से 7, 8, 9, 10। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी, ये जो क्वालिटी दिखा रहा हूँ ये मीडियम क्वालिटी है। एक इससे अच्छी भी क्वालिटी आती है और इससे सस्ती भी आती है। तो ये मीडियम क्वालिटी का कपलर है जो हम इसके अंदर लगाएंगे। दोस्तों लगाने का तरीका ये है, कपलर को आपको ऐसे पकड़ना है, ये चीज़ देखना है कि इधर चपटी साफ्ट है, और साफ्ट को जिस दिशा में कपलिंग हो उसी दिशा में आपको साफ्ट भी सेट करना है। और देखो मैंने इधर करा, तो आपको ऐसे लगाओगे तो नहीं लगेगी, आपका कपलर भी ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से बिठानी है, जैसे ये है इस तरीके से। ये रखने के बाद में आपको पूरे कपलर पे चोट नहीं मारनी, आपको ऐसे कोई भी टूल रखना है और हल्की सी धीरे धीरे बहुत तेज़ ऐसे चोट मारना है। हमारा ये कपलर देखो एकदम सिंपल आसान तरीके से लग गया है। अब बात करते हैं इसको हम कितने रुपए लेंगे कस्टमर से। देखिए भैया 10 रुपये का आप कपलर मान लो, और हम कस्टमर से इसको लगाने के लिए जो लेंगे वो लेंगे 40 रुपये। टोटल हम जो चार्ज लेंगे इस कपलर को चेंज करने का मिक्सर का, 50 रुपये कस्टमर से चार्ज लेंगे। 40 रुपये कपलर का तो होता ही है, मेरा प्रॉफिट हो गया। 10 रुपये कपलर टोटल 50 लेंगे तो 40 रुपये हमें बचेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप मिक्सर के कपलर को चेंज करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। और इसी तरीके की तमाम वीडियोस के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लो। दोस्तों आपको थोड़ा सा टूल के बारे में बता देते हैं। ये है सॉकेट पाना मिक्सर का, ये सॉकेट पाना है जो जार का सॉकेट बदलते हैं, चेंज करते हैं, इससे हम सॉकेट खोलते हैं। ये है बम्बू, मिक्सर के जार का जो बुश चेंज करते हैं तो हम बम्बू से चेंज करते हैं दोस्तों। तो ये बम्बू है, दिल्ली की मार्केट में बम्बू, और इसके साथ ये पिन आती है, ये आपको 250 से 300 रुपये में मिल जाती है। डिपेंड है कितना साइज़ का बम्बू है और कैसी क्वालिटी है बम्बू की। और ये है चौरसी, चौरसी का काम यह होता है जो सॉकेट का ब्लेड का नट होता है उस नट को काटने के लिए ये सॉकेट इस्तेमाल में आती है दोस्तों। तो ये है चौरसी। ये है तोता पिला, जैसे ये कपलर नहीं खुल रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है, तो आप क्या काम करो इस तरीके से इसको फंसा के, और आप नॉर्मल प्लास से ये पकड़ में नहीं बनता है, सही से नहीं निकलता है, इससे आप इजली जार के और मिक्सर की मोटर के कपलर को तोड़ के मरोड़ के निकाल सकते हो, इसका ये काम होता है दोस्तों। ये है टफ हैंडल दोस्तों, इसे रैमर भी बोलते हैं बहुत सारे भाई इसे टफ हैंडल बोलते हैं। ये कई क्वालिटी की आती है, नॉर्मल मार्केट में ये 100 रुपये से शुरुआत हो जाती है, फिर जैसी क्वालिटी के लोगे वैसा रेट होता है दोस्तों इसका। बाकी टूल जो यहाँ पर रखे थे, ये है कपलर चाबी,
ये है साकिट पाना, ये है 1631 मॉडल का पाना, ये है साकिट पाना दोस्तों। इसमें तीन साइज़ के पाना भी आते हैं। बाकी आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर मिक्सर का टूल पूरा सेट खरीदना है तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा है, कॉल करके टूल भी ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।